अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी जीएम अगेन, एक ब्रांड न्यू वीडियो में सभी को वेलकम। तो भाई तीन से चार गेमें खेली है, भुया तो नहीं हुआ, बट जो गेम खेली है एंड लेवल आपके भाई ने क्या ही किल्स निकाले, तो इस गेम वीडियो के अंदर शो कराने वाला आप लोगों को, एंड तक देखना है, मजा आएगा। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और अगर टिकटॉक के ऊपर देख रहे हो तो आप लोगों ने लाइक एंड रीपोस्ट कर देना हमेशा की तरह भाई पीक के ऊपर लैंडिंग, क्योंकि पीक जब भी बरमूडा मैप आए अपना फेवरेट अड्डा रहा है। ओके, एक बंदा जिसको भाई हम लोगों ने वुड पैकर के दो से तीन शॉट मारे हैं, और ये पहले से शायद नॉक पड़ा था, तो पहला किल हम लोगों ने भाई चोरी का ही उठाया है। वुड पैकर के साथ मिली थी M187, तो भाई M187 आजकल तबाही चल रही है। अगर आप लोग नहीं यूज कर रहे हैं तो काइंडली इसको पिक करके थोड़ा सा चलाना, चेक करना, अगर वाकई में आप लोगों को लगेगा अच्छा है तो दोबारा से आके इस वीडियो को दोबारा देख लेना है, वरना भाई एक ही बारे में देख लो और लाइक कर दो। ओके जी, दो बंदे थे, एक बंदे को तो हम लोगों ने शॉट करे हैं, नॉक है, दूसरा टीममेट भी इसका इधर ही है। लो जी, अच्छा शॉट, और गया भाई स्किल से ही नॉक हो गया। तो इसके साथ भाई हम लोगों के यहाँ पे किल्स की तादाद जो है ना वो तीन हो जाती है। बाकी अभी तक अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे नहीं लाइक किया तो कर दो भाई, उधर लाइक करना लाजमी है। सामने की साइड एक और बंदा है, और ये किंग का आइकॉन है, एक किंग तो अपने पास है और दूसरा इसके पास है। किंग की आइकॉन की बात करें तो भाई ये जो क्रोन है ये तीन बंदों को लॉबी के अंदर मिलता है, जिनके किल सबसे ज्यादा हो और जिनके टोकन सबसे ज्यादा हो। ये जो अपडेट आई है जिसमें आप लोगों को टोकन कलेक्ट करने होते हैं भाई, इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ से आप लोग मैक्स गन्ने वगैरह भी ले सकते हैं और भी बहुत सारे चीज, एक जहाज होता है वो भी अनलॉक कर सकते हैं आप लोग, जैसा कि आप लोग ड्रोन यूज कर रहे हैं वो वाला। सामने की साइड भाई गाड़ी खड़ी हुई है, और गाड़ी की साइड मुझे लग रहा है कि बंदा है, ये रहा बंदा। ओए, और भाई साहब क्या ही तगड़े हेडशॉट लगे। तो इसके साथ भाई हम लोगों को सात किल पीक पे मिल गए हैं, एक और पूरा स्क्वाड यहाँ पे रश कर रहा है और इनके पास किंग है। अरे भाई बंदा पास हो तो ग्लूवल उसके सर के ऊपर लग जाती है, बट कोई ना, सात किल हमारे डन है, अल्ट्रा प्रो अभी तक जिंदा है, तो बिल्कुल हम लोगों को एक दफा क्या चार दफा भी यहाँ पे रिवाइव मिल सकता है। ओके गाइस, रिवाइव वगैरह होके हम लोग आ चुके हैं, एक बंदे ने अल्ट्रा को नॉक करे और वो इसी साइड डब्बे की साइड पे आया, अच्छा डैमेज पड़ा था इसको पहले भी। चलो जी बॉडी स्प्रे, ग्लूवल नहीं थी यहाँ पे, ये ले जी, काफी अच्छा हेडशॉट लगा। अगर इस बंदे को हेडशॉट नहीं लगता तो भाई ये बंदा तकरीबन हम लोगों को लेके गया था। आठ किल इसके साथ डन है, और अभी भी यहाँ पे 14 प्लस बंदे लाए हैं, प्लस इसलिए बोल रहा हूँ कि जोन के साथ ही मशीन है, तो वो भाई बंदे एक दूसरे को रिवाइव करा सकते हैं। और नीचे भाई टोकन चेक करो, 12,000 से भी ज्यादा हो गए हैं। सामने की साइड भी बंदे है, और दो से तीन बंदे ऊपर की साइड भाग रहे हैं। एक तो मोसा ट्रक वाले भाई लाजून बहुत तंग करते हैं। चलो जी, यहाँ पे वासी एफएफ को बोर्ड स्प्रे, ग्रूजा एक्स भाई अपने फेवरेट है, स्कार और ग्रूजा ये होगी लॉन्ग रेंज की, और MP40 M187 ये दोनों होगी अपनी फेवरेट शॉट की, क्योंकि काफी सारे बंदे मैंने देखा है आजकल टिकटॉक पे पूछ रहे होते हैं भाई अपने फेवरेट गने जो है ना वो बता दो। ओके, अगेन इस बंदे को भाई मारा है, इस बंदे को दो दफा हम लोग मार चुके हैं, एक दफा पीक के ऊपर मारा था और तीसरी दफा भाई इधर मार दिया है। एक बंदा इस साइड पे है और इसको शायद पता नहीं, हम घूम के इस साइड के ऊपर आ गए और ये अभी तक उधर ही खड़ा है। ले जी काशी, शायद से काशी ही नाम था, तो इसके साथ हमारे जो किल्स की तादाद है वो 11 हो चुकी है, और अभी भी लिटरली पांच बंदे लाइव है यहाँ पे। भाई एमओ वगैरह खत्म हो गई थी बिल्कुल थोड़ी सी, तो यहाँ पे हम लोग भाई एमओ कलेक्ट कर लेते हैं, काफी सारी मिल जाती है, सुपर मेडिकेट भी मिल जाती है, और यहाँ पे 90% से ज्यादा चांसेस है कि आपका भाई ये गेम भुया ले जाता। एक और बंदा यहाँ पे नॉक है, ले जी दो बंदे यहाँ पे अगेन नॉक है, दो बंदों में से भाई टोटल एक ही बंदे का किल जो हम लोगों को मिला है। यहाँ पे लॉन्च पैड है तो लगा के उसी साइड पे चलते हैं, लास्ट ही प्लेयर बचा है आई थिंक, तो इसको पकड़ेंगे भाई। 12 किल है और ये गेम 13 किल पे भुया हो सकता है, लास्ट प्लेयर किंग वाला बचा है, नीचे 18,000 प्लस टोकन है भाई। अच्छा हेडशॉट, अच्छा तो नहीं बोलूंगा इसको, बहुत कम हेडशॉट लगा है, क्योंकि लो जी अबे बंदा भुया ले गया भाई, ग्लूवल के अंदर ही आ गया है, बट कोई ना, एक और गेम भाई आप लोगों को शो कराता हूँ, उसमें भी भुया नहीं हुआ बट किल आपके भाई ने तगड़े करे थे। चले जी दूसरे गेम, सामने की साइड एक बंदा,
और अच्छा हेड शॉट यार, बंदा बहुत तगड़ा था, लेकिन हम लोगों ने बैजन से काफी अच्छे हेड शॉट मारे हैं। बंदा जस्ट अभी भाई लूट वगैरह ड्रॉप लूट के आ रहा था, तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे मार दिया है। ओके, प्लाज्मा मिला था इसकी बंटी से, सामने की साइड एक और बंदा, अच्छा हेड शॉट 63 और एक और हेड शॉट, और यहाँ पे ये वाला बंदा भी नॉक हो जाता है। तो इसके साथ भाई हमारे किल्स की तादाद जो है ना 3 हो जाती है। लेकिन राइट के ऊपर एक बंदा होता है भाई जिसका नेट नहीं होता, तो इसको मारते हैं हम लोग एक अच्छा हेड शॉट और इनका भाई पूरा स्क्वाड ही खत्म। तो यहाँ पे इनका स्क्वाड स्वाइप हो जाता है, 4 किल हमारे यहाँ पे डन हो जाते हैं। भाई अगर ये आप लोग मुझे टिकटॉक पे फॉलो करते हैं तो ये वाला क्लिप मैंने काली टिकटॉक के ऊपर डाला है, क्या ही यहाँ पे भाई बंदों को मारा था। चलते हैं लॉन्च पैड लेके। ओके, एक बंदे को हम लोगों ने नॉक एंड फिनिश दिया है, और इसके टीममेट जो है ऊपर की साइड घूम रहे थे, क्रोनो लगा के रिवाइव कर रहा है, तो इसको पकड़ लेते हैं। चैलेंज अगेन, नॉक क्रोनो वाला आया है, गया इसको, शायद किसी और ने नॉक करा है। बट बंदे ने भाई अपने को क्या डैमेज दिया है भाई, लिटरली अगर वेस्ट नहीं होता तो ये बंदा ले गया था। वैसे भी 50 HP का छोड़ा है, अगर 1 सेकंड लेट होती ग्लू होल तो ये तकरीबन फिर भी ले गया था। बंदा दोबारा आया रिवाइव होके, और ये वही है जिसको पहले मारा है। चैलेंज ये डीटी डीलर, इसको पता नहीं क्या कीड़ा है भाई, दोबारा से आ गए इधर पंगे लेने। लो ये भी गया भाई, पीछे वाले बंदे भाई बहुत तगड़ा डैमेज दे रहे हैं लिटरली भाई। दोबारा हमारी HP बहुत कम हो गई थी, अगर यहाँ पे हमारे पास सुपर मेडिकेट ना होती तो इन्होंने पहले ही काम खराब कर देना था। 8 किल यहाँ पे डन है और अभी भी 16 बंदे अलाइव हैं। गया डार्क शैडो भी यहाँ पे नॉक है भाई, इसका भी किल हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर रहे थे, और इसका स्क्वाड का जो लास्ट प्लेयर है ना वो भाग जाता है, वो आउट ऑफ द रेंज चला जाता है, और हमारे स्क्वाड के 2 बंदे जो बचे हैं वो भी यहाँ पे ही मर जाते हैं। चले जी, यहाँ पे हम लोग लास्ट ही प्लेयर बचे हैं, और टोकन्स की बात करें तो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास 4000 के करीब 3500 ऐसे टोकन हो चुके थे। एक बंदी सामने की साइड, और यहाँ पे इसको भी हम लोग यहाँ पे नॉक एंड फिनिश दे देते हैं। तो भाई उसका किल हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, और यहाँ पे भाई टोकन वगैरह कलेक्ट करके इनको रिवाइव करने जाते हैं। तो भाई यहाँ पे मुझे भाई लगता है कि मैं ही प्रो प्लेयर हूँ इस लॉबी का, तो मैंने कहा टोकन्स को रहने देते हैं, अभी सोलो डेयर ले लेते हैं। टीममेट्स की बात करें तो 3 रैंडम थे, और कोई इतना अच्छा रैंक नहीं था। नंबर 4 का नाम देख के भी आप लोगों को लग रहा होगा कि कितना अच्छा इसका रैंक हो सकता है। बाकी जो 2 बचे हैं ये शायद हीरोइक, और नंबर 3 जो है ना ये भी तकरीबन डायमंड या सिल्वर कुछ इस तरीके का BR रैंक था। तो भाई हम लोग सोलो डेयर ले लेते हैं, ताकि बंदे जो बाकी बचे हैं वो हम लोगों को मिल जाए, रश करने के लिए आए तो आराम से हम लोगों को मार दें। बट ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस हम लोग हो गए थे कि हमसे बेटर कोई है ही नहीं इस लॉबी में। तो ये चीज़ भाई बाद में पता चली कि ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंस होना काफ़ी अच्छी बात है। बाहर की साइड किंग घूम रहा है, एक तो हम लोग खुद हैं, एक और भी आया है। अच्छा बॉडी स्प्रे, 2-2 आ गए हैं, और इसको भी अच्छा हेडशॉट, साहिल गेमर को 10 किल डन है। ले जी, ये क्या है भाई, 10 किल किए हुए बंदे ने भाई, क्या हैकर वैकर है क्या। बट कोई ना, ये गेम भाई इधर ही एंड करते हैं, और इस वीडियो को भी लाइक एंड रिपोस्ट कर देना है टिकटॉक पे, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना है।